कैसे कलेक्शन करें, इसके कितने मेथड्स हैं और इसके क्या प्रोसीजर है, ये तमाम हम एक के बाद ही देखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे हम जो हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ थ्रेड। ठीक, कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगनिंग सबसे पहले जो लैब टेक्नीशियन है, जो लैब टेक्नीशियन के कोर्स में जा रहे हैं, उनको यही अगर आइडिया नहीं है तो आगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। फर्स्ट प्रोसेस इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द लैब टेक्नीशियन कोर्स। ओके, तो देखिए तो यहाँ पर कलेक्शन कैसे करें, बहुत ही आसान तरीके में से मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये ब्लड जो है कलेक्शन क्यों करेंगे, हाँ तो सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है। सो इट इज ब्लड कलेक्टेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कौन से भी अगर डिसऑर्डर्स हैं ब्लड ऑफ द ब्लड, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस ब्लड जो है हमने कलेक्ट करते हैं, उसको अप्रोप्रिएट टेस्ट जो है करते हैं, उसके बाद उसके अंदर के डिसऑर्डर्स हमें फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ब्लड को जो है कलेक्शन करते हैं। अब इस ब्लड को कलेक्ट करने के लिए दो मेथड्स हैं। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर द कलेक्टिंग ब्लड। सो नंबर वन, सो नंबर वन कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड एंड नंबर टू वेन पंचर मेथड और दैट इज आल्सो सेड टू बी वेनस मेथड। ओके, वेनस मेथड। ओके, तो दो यहां पर मेथड्स हैं हमारे यहां। तो ये दो मेथड्स के जरिए हम ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम देखेंगे सबसे पहला जो मेथड क्या है, कैपिलरी मेथड। इस कैपिलरी मेथड के अंदर याद रखें, कैपिलरी मेथड बहुत सिंपल है, सिंपल ट्रिकी मेथड है। यहाँ पर कोई सिरिंज की जरूरत नहीं, वेन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक चंद साइट्स है, वहां पर हम प्रिक करके ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। बट वन मोर कंडीशन इज देयर, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो इस मेथड के अंदर क्या है, बहुत ही छोटे पैमाने पर स्मॉल अमाउंट ऑफ दी ब्लड कैन ऑब्टेन। तो अगर इस मेथड के जरिए हम कलेक्ट करेंगे ब्लड, तो बहुत ही छोटी तादाद में ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ml अगर जरूरत है तो इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस मेथड। वेरी फ्यू ड्रॉप्स, एक चंद ड्रॉप्स अगर हमें जरूरत है ब्लड की, तो उस अपने ये मेथड हमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एच पी टेस्ट करना है, एच डी परसेंट टेस्ट करना है, या टी एल सी करना है, या डी एल सी करना है, राइट। तो ऐसे टेस्ट को हमने ये मेथड के जरिए ब्लड ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और एच पी इमिडिएट कर सकते हैं, स्लाइड के ऊपर एक फ्लो ड्रॉप्स ले लो और हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते। टी एल सी टोटल लिम्फोसाइट काउंट, डी एल सी डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट, स्मियर स्लाइड के ऊपर काउंट करने के सेल्स हैं। तो इसलिए स्मियर करने के लिए जो स्लाइड है, स्मियर करने के लिए ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड। मैं कहता हूँ एक ड्रॉप काफी है, राइट, स्मियर स्लाइड के लिए। अगर एच पी कर रहे हैं तो वहाँ पर तकरीबन 3-4 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स तुमने ले सकते हैं, क्योंकि पिपेट के अंदर 20 माइक्रोड सैंपल इंसर्ट करना है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ 3-4 ड्रॉप्स की जरूरत है। बट एक डी एल सी ऐसे सिंपल स्मियर स्लाइड अगर करना है तो 1 ड्रॉप का पे। तो ऐसे टेस्ट के अंदर हमने ये कैपिलरी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये कैपिलरी मेथड जो है वो कैसे हम ब्लड को कलेक्ट करें, कहाँ पर इसके साइट्स हैं, बहुत सिंपल मेथड है। देखो सबसे पहले ये जो मेथड है लैंसेट के जरिए होता है, लैंसेट या नीडल, वेरी सिंपल नीडल की वहां पर होती है, वो नीडल के जरिए या लैंसेट के जरिए हम इसको प्रिक करके ले सकते हैं। सबसे पहले हमने ये जो हमारे हैंड है उसके रिंग फिंगर को सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। हाँ पॉसिबल है तो कहीं पर भी तुम्हारे को सेटिस्फाइड हो रहे ले सकते हैं, इस बात नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर यू कैन सेलेक्ट दी लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर। ओके, रिंग फिंगर को हमने सेलेक्ट करेंगे और इस पार्ट जो है, पोर्शन जो है, पूरा एच पोर्शन जो है फिंगर का, वहां पर हम क्या करेंगे, कॉटन शॉप से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद अब कहां पर प्रिक करना, यहां पर करना, यहां पर करना, ये साइड में करना, ये साइड में करना, नो कंफ्यूजन, कंफ्यूज मत करिए। वेरी सिंपल मेथड क्या है, इन फ्रंट एकदम एज के सामने करना है और कितने साइज में हमें ये नेल जो है ऊपर का नेल, ये नेल से 1/2 सेंटीमीटर
बटन क्लिक करना है। देखो ये नियम से 1/2 सेंटीमीटर कितना हो सकता है, हम मेजरमेंट वहां पर स्केल से नहीं कर सकते, बट हमें एक्सपीरियंस के जरिए मालूम पड़ जाता है कि यहां पर 1/2 सेंटीमीटर कितना हो सकता है ऑन एवरेज। तो उसको देखकर हमने यहां पर क्लिक करना है, ज्यादा कम जो है इन फ्रंट हो सकता है। ओके, अब प्रिंट करने का मेथड जो है वो कितना है, कितना डीप प्रिंट करना, ऐसा नहीं कि लीडर ले लिए और इस्तेमाल नहीं हो सकता है राइट। तो वहां पर क्या हो सकता है, 3 mm डीप जो है लीडर तुमने प्रिंट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अब ज्यादा कम हो जाता है, मेजरमेंट भी नहीं कर सकते अंदर कितना गया होते राइट, ऑन एन एवरेज इतना ही जाना हेडर, ये हमारा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर 3 mm लीडर का इंसर्ट में प्रिक होना। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ कैपिलरी मेथड फॉर कलेक्टिंग ब्लड। तो ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ब्लड को कलेक्ट करना है, तो उस तक ये मेथड हमें अप्लाई कर सकते हैं। यस, अब ये होगी बात एडल्ट्स में, अगर चिल्ड्रन है उनके फिंगर्स बहुत स्मॉल होते हैं राइट, पकड़ने में दिक्कत होती है राइट, और कभी कभी वहां पर क्लिक करने के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऐसे कंडीशन में भी होते हैं, या एडल्ट है एक चंद उनके फिंगर्स डैमेज हैं, हां सो कुछ प्रॉब्लम अगर हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, तो उस वक्त में हम दूसरा साइड भी हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा प्लेस वो है एयर लो। तो यहां पर एयर लो के अंदर भी डिसइंफेक्टेंट एरिया से कॉटन शॉप से वॉश करके यहां पर ये एयर लो जो है वो सेम प्रोसीजर 3 mm के जरिए उसे हो सकता है कामयाब हो रहा है तो पिक कर सकते हैं, यहां से ड्रॉप वाइज ब्लड ले सकते हैं। इन सम टाइम्स अगर वहां भी पॉसिबल नहीं है तो हील्स के अंदर ले सकते हैं, हील्स के अंदर सही है, कॉमनली हील्स के अंदर पैलेट के अंदर लेते हैं सैंपल। ओके, हील्स के अंदर भी हम इस मेथड से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ओनली फ्यू ड्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। ओके, सो दैट इज द वन मेथड। चलो, सो नाउ कम टू द पॉइंट, सेकंड मेथड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड शुड बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हमें लार्ज अमाउंट ब्लड जो है मिलता है, कितने भी अगर एमएलस के अंदर हमें ब्लड की जरूरत है तो सब हम करेंगे वेनस मेथड, वेनस after 2 days, मैं experience होने के बाद इसके तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर वक्त
R1 में according to procedure we should be required having it also. Okay, right. अब हम देखेंगे procedure. Procedure से पहले थोड़ा सा इसका introduction. निर्णय कौन सा सही होना, कितना होना, सेंस कैसा होना, डिसिप्लिनेड कैंटर सर, ये तो बहुत ज्यादा अल्कोहल या स्पिरिट रह सकता है, और पार्टनर शाम को इसका टर्मिनेट क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत देखो. सबसे पहले ज्यादा जो इसमें एक्सप्लेनेशन है ये निर्णय का है, यानी निर्णय कितना गैस डालना सबसे पहले देख लिया हमने. सो निर्णय शुड बी 18 टू 20 गेज इन अडल्ट. ओके, अडल्ट अगर है पेशेंट है तो सकता है हमें निरंतर की जरूरत है हमको 18 टू 20 गेज की, राइट. हाँ, इससे भी ज्यादा अगर गेज है तो स्लो प्रेशर के साथ ब्लड आएगा और तुम्हें ब्लड कलेक्ट करने के दौरान बहुत सारे डिस्टर्बेंस होंगे, इसलिए तो हम यहाँ पर 18 टू 20 गेज का जो नीडल है उसको ही अप्लाई करेंगे. और यहाँ पर जो ये नीडल की गेज बोल दिया हमने 18 टू 20, अब लेंथ इस नीडल की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 20 mm. ओके, ये नीडल की लेंथ 20 mm. अब इन चिल्ड्रंस और पेडियाट्रिक कंडीशन तो यहाँ गेज जो है 23 वो सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 23 तुमने लिख लो, 23 गेज है इन चिल्ड्रंस. और यहाँ की जो इसकी लेंथ है वो 15 mm. निडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए चिल्ड्रंस में, 15 mm. अलग अलग साइज के निडल्स मिलते हैं, वही निडल को तुमने अप्लाई करना है. ओके, राइट. उसके बाद सिरिंज, अगर सिरिंज को देखेंगे हम तो ये डिस्पोजेबल होना चाहिए और डैमेज नहीं होनी चाहिए. कभी कभी सिरिंज क्या होते हैं उसको निडल के अंदर ब्लॉक होता है या उसका पिस्टन मोमेंट करेक्ट नहीं करता है, तो ऐसे नीडल्स होते हैं, तो ऐसे नीडल्स हमें जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको भी चेक करना है. और डिस्पोजेबल होनी चाहिए, डिस्पोजेबल एक बार हम उसको हम एक बार यूज कर दिए तो नेक्स्ट टाइम फिर हम उसको यूज नहीं करेंगे, उसको थ्रो कर देंगे. अगर यूज करना है तो हमें वहां पर रिक्वायरमेंट के अंदर और एक पॉइंट लिख लेना पड़ेगा, वाटर बाथ की. क्यों, अगर रिपीटेडली यूज कर रहे हैं तो फौरन ब्लड कलेक्ट करने के बाद वो ब्लड को कंटेनर के अंदर डाल कर वो सिरिंज को हम क्या करना पड़ेगा, वाटर बाथ के अंदर फिर स्टेरलाइज करना पड़ेगा. अगर स्टेरलाइज नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम वो तुम यूज नहीं कर सकोगे, क्यों, ये वहां पर निडल जो है कंप्लीटली ब्लॉक होता है, राइट. तो इसलिए हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अंदर और एक पॉइंट लिख लो वाटर बाथ, उस वक्त में हम हो सकता है सिरिंज आज के दौर में तो नहीं हो रहा, रिपीट यूज नहीं हो रहा, अगर अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर कर सकते हैं पहले करते थे, अगर सिरिंज को रीयूज करना है तो फौरन यूज के बाद उस समय स्टेरलाइज करेंगे थ्रू द वाटर बाथ, राइट. अब देखिए डिसइंफेक्टेंट यहाँ पर अल्कोहल हो सकता है या स्पिरिट. ओके, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, कॉटन के अंदर मिला देते हैं, कॉटन शॉप में तो इसका भी यूज हमें क्या करेंगे, कॉटन शॉप यूज है एरिया जो सेलेक्टिंग एरिया हमारा इंजेक्ट करने का उस एरिया को वॉश करने का, क्लीन करने का, वॉश और क्लीन बोल सकते हैं, क्लीन करने के लिए हमें कॉटन शॉप का यूज करते हैं. टर्निकेट, अब वो विजुअलाइजेशन होने के लिए वेन से हमें टर्निकेट का अप्लाई करते हैं, वाटर बाथ में सिरिंज को स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं. ओके, अब देखेंगे प्रोसीजर क्या है. Procedure of the collecting blood by venous method. Okay, venous method के बारे में किस तरह से collect करना है इसको हमें देखना है. सबसे पहले venous method के जरिए अगर हम blood collect करना है, first we can identify first point is what. First of all we can identify the how much blood is required. Right? हाँ, उसको हम पहले जानना जरूरी है. या फर्स्ट कैन डिसाइड इसके से बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिसाइड
he should decide the required amount of blood. We should decide required amount of blood. Okay, ये first point होगा हमारा. Procedure करने क्या करेंगे? First point है required amount कितना है, blood हमें कितना जरूरत है, इसको पहले decide करेंगे. ऐसा नहीं कि patient आपके साथ foreign data लिया और करके और निकाल दिए blood, ऐसा नहीं होता. क्यों? कौन सा test करना है? उसको कितना blood की जरूरत है? ये decide करना है. अगर without the decision we can take the blood, how much you can take? We can take 2 ml. If you can take 1 ml, ले लेते हैं इस तरह से. तो उससे ज्यादा अगर वो टेस्ट को जरूरत रही तो इसीलिए जब भी पेशेंट आता है तो उसके रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो है कौन से टेस्ट ऐड किए गए हैं देखते हैं ना, उस टेस्ट को देखते ही इसको इतना ब्लड लगेगा. तो फर्स्ट यू कैन डिसाइड विच अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड, राइट. देन सेकेंड पॉइंट, एंश्योर द पेशेंट. Ensure to the patient. So now what we can do the next point? Ensure to the patient. Patient को इतना करना, patient को बताना कि अब हमारा blood sample लेना है. Okay? और थोड़ा उसको guide करना. यहाँ पर कोई भी ज़्यादा problem नहीं है. बहुत simple से तरीके से हम लेंगे. इसके अंदर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. Guide the patient and ensure, inform करना. Okay? तुम्हारा ब्लड थोड़ा सा लेना है ऐसे टेस्ट में, राइट. क्योंकि जब पेशेंट बहुत ही ब्लड के बोलने के साथ ही घबरा जाता है तो उसको गाइड कर देना. अब नेक्स्ट पॉइंट, ले द आर्म ऑन द टेबल. ले द आर्म ऑन द टेबल. तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में? उस पेशेंट का आर्म लेंगे तुम. ओके, आर्म लेकर तुम्हारे सामने जो टेबल है उस टेबल को इस तरह से रखेंगे. ऐसा नहीं कि पेशेंट खड़ा है, तुम भी खड़े हैं तो ऐसे ही डायरेक्टली कॉटन शॉप ले लिया, ऐसे ऐसे वॉश करते और सैंपल ले लिया. ऐसा नहीं प्रोसीजर. ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पेशेंट आर्म को टेबल के ऊपर लेना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पर क्या करना है, पेशेंट के आर्म को टेबल पर ले लिए, उसके बाद टर्निकेट, कट द टर्निकेट, कट द टर्निकेट, टर्निकेट. तो टर्निकेट को लेना है तुम्हें. ये टर्निकेट जो है रबर का होता है या स्मूथ रबर का, लाइक पाइप के जैसे भी हो सकता है या बेल्ट की शक्ल में भी हो सकता है स्मूथ रबर का. ओके, तो उस टर्निकेट को हम वो आर्म के एल्बो जो है, एल्बो, राइट, ये एल्बो, एल्बो के अबाउ द एल्बो 3 inches, एल्बो के अबाउ 3 inches कट द टर्निकेट. अबाउ अबाउ द एल्बो, एल्बो 3 inches, 3 inches. तो वहां पर ये कट करेंगे, हमने बांध देंगे वो टर्निकेट को अबाउ द एल्बो, एल्बो के ऊपर 3 inch गैप रखकर. हाँ, टर्निकेट अगर एल्बो नहीं बांधेंगे मोमेंट नहीं होगा, वे विजुअलाइजेशन नहीं होगा, राइट. तो अब यहाँ पर ये हो गया 3 inches के ऊपर हम बेल्ट को बांध दिए. अब यहाँ पर वेन्स विजुअलाइजेशन होते हैं कॉमनली. यहाँ पर जो वेन्स में डॉक्टर 5 वेन्स हैं अंदर कर सकते हैं. अब यहाँ पर वेन हम सेलेक्ट करना है, वेन हम सेलेक्ट करना है. तो देखिए अब वो वेन कौन कौन से हैं, 5 वेन्स कौन से हैं, मैं यहाँ पर बताता हूँ. देखिए तो ये हो गया. अब मैं इसे कलर करता हूँ. तो यहाँ पर वेन्स को नेक्स्ट पॉइंट में कितना, 6 पॉइंट में हम सेलेक्ट दी वेन, सेलेक्ट दी वेन, सेलेक्ट दी वेन. अब 5 वेन्स कौन से, यहाँ पर 5 वेन्स हैं, कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी विजुअलाइज हो रही. सो नंबर 1, इसके अंदर सेफेलिक वेन, सेफेलिक वेन. नंबर 2, सेफेलिक वेन होगा यहाँ पर. नंबर 2, एक्सेसरी सेफेलिक वेन, एक्सेसरी, एक्सेसरी सेफेलिक वेन, एक्सेसरी सेफेलिक वेन, राइट. देन नंबर 3,
median vein. Okay, number three, median vein. इसका मतलब क्या मिडल वेन या median vein. Okay. Yes. Number four. सफेद पेन हो गया, एक्सेसरी सफेद पेन हो गया, median vein हो गया. अब यहाँ पर और एक vein आएगी, वो है basilic vein. Basilic vein. And last one is anterior ulnar vein. Anterior ulnar vein. Ulnar के जो आगे है उसको हम बोलते हैं anterior. वहाँ पर एक vein होती है anterior ulnar vein जिसको हम बोलते हैं. तो ये five veins के अंदर कौन सी vein चले करो better is that median vein जो है बहुत ही ठीक होती है जिसको well visualization होती है. Mass required amount of blood which you cross very easily. So that's why you can commonly select the median vein. यहाँ पर जो middle में जो joint है यहाँ से ही निकलती है. तुम अगर finger से touch भी करेंगे तो थोड़ा feel होता है. So that is the median vein. वहाँ से हम blood को collect करते हैं. Sometimes यहाँ पर wrist के ऊपर ऐसे जगह में collect कर सकते हैं. But according to procedure we can measure these five veins. ये five veins के अंदर ही सेलेक्ट करें बेहतर है. ओके, सेलेक्ट दिस वेन. अब 6.9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट करें वेन को. नेक्स्ट चलो सेवन पॉइंट. वॉश दी सेलेक्टेड वेन साइड. कहां पर हमने सेलेक्ट किए वहां पर वॉश करेंगे. थ्रू द cotton shop, wash or clean the puncture site. Okay, जो puncture करना है ना site, उसको wash करना है, clean करना है भाई. उसके बाद clean कर लिए. अब लेके तुमने टेक दैट निडल. अब यहाँ पर वॉश करने के बाद इससे पहले एक पॉइंट भूल गया मैं. यहाँ पर टर्मिक मारने के बाद जब वेन सेलेक्ट करते थे ना, उस वक्त में रिस्ट को क्लोज ओपन करने के लिए बोल दो ताकि वेन विजुअलाइजेशन हो सके. अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर वहां पर नहीं है और आगे आता है क्लोज एंड ओपन रिस्ट. यहाँ पर जब तुमने इंसर्ट किए निडल को, उस वक्त में ब्लड आने के लिए इसी मोमेंट हो सके तो ओपन क्लोज रिस्ट करें. राइट, अब मैं बताऊंगा. कभी कभी किचन कुछ में वहां पर मेंशन है इसलिए मैं पॉइंट बोल दिया. अब यहाँ पर साइड एरिया जो है क्लियर करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है टेक सिरेंज इन योर राइट हैंड एंड होल्ड द इंडेक्स फिंगर. ओके, राइट हैंड से ले लिए और उसको पकड़ना है इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर के दरमियान. इस तरह से ये निडल से इसको पकड़ेंगे. इस तरह से निडल पकड़ेंगे, ऐसा नहीं पकड़ेंगे. ये कौन से फिंगर से नहीं पकड़ेंगे. अगर ऐसा पकड़ेंगे तो जो इंजेक्ट करना है तो ये मोमेंट आपका जजमेंट नहीं लगेगा. राइट, सेटिस्फाइड नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर के जरिए नीडल को पकड़े. राइट, और वहां पर इंजेक्ट करने से पहले उसको चेक कर लें ये ब्लॉक है या पिस्टन इसका बराबर है नहीं है, इसको हम आपको देख लें. राइट, तो आफ्टर दैट यू कैन टेक इन द सिरिंज इन योर हैंड, यू कैन इंजेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, इंजेक्ट द नीडल और सिरिंज. नीडल बोला सिरिंज बोल और सिरिंज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेन. देखो वेन इस तरह से समझो, वेन ये वेन है तो तुम यहां पर सिरिंज को इंजेक्ट करेंगे करेक्ट सेंटर पॉइंट. अब यहां पर या डीप वर्क तरह से लेकर वेन है सेंटर
सेंटर में क्या करेंगे इसको डी में इंजेक्ट कर देंगे राइट एंड अपोजिशन ऑफ फ्लो फ्लो होने के अपोजिशन ब्लड इस तरह से फ्लो होते हैं पर इस अपोजिशन में ही सिरिंज को डालने देंगे इंडेक्स या नीडल को डालेंगे अब ब्लड फ्लो इस तरह से हो रहा है फिर इसी तरह से तो तुम नीडल नहीं डाल सकते ओके अपोजिशन के अंदर डालेंगे इंजेक्ट नीडल सिरिंज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेन ये पॉइंट हो गया इंजेक्ट करने के बाद इसी दौरान तुम देखना है ड्यूरिंग द इंजेक्ट द नीडल शुड बी हैविंग 32 40 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए अब इंजेक्ट कैसे करना 32 40 डिग्री सेल्सियस में ये रहना यहाँ पर नीडल इंजेक्ट कर रहे हैं तुमने राइट ये आर और ये नीडल का जो एंगल है ये एंगल 30 रहना या 40 डिग्री सेल्सियस रहना है ना स्लोप में है वो 32 40 मीन्स व्हाट स्लोपिंग नेचर अब यहाँ पर पेंसिल रखकर लिए तुम सिरल लाकर पैसा डाल दे 90 डिग्री में तो इज ना इम्पॉसिबल टू कनेक्ट विद ब्लड राइट है तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर यू कैन सेलेक्ट द वे ऑफ द इंजेक्ट द सिरिंज द यू कैन आल्सो ऑब्जर्व द डिस्टेंस द एंगल बिटवीन आर एंड नीडल इज ओनली 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड राइट सो दैट इज द नाइन प्रोसेस आफ्टर दैट इस तरह से तुमने 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस में इंजेक्ट किए नेक्स्ट क्या करेंगे अभी पुल बैक द पिस्टन टेन पॉइंट को हम डालेंगे पुल बैक द पिस्टन जो सिरिंज के अंदर पिस्टन होता है उसको सुपर बॉडी पुल बैक करेंगे हाँ ये दोनों हमारे जो फिंगर्स हैं इस फिंगर्स से हम क्या करेंगे सिरिंज को पकड़ेंगे ओनली पिस्टन जो है पिस्टन जो है दूसरे फिंगर से हमें इसका इंडेक्स फिंगर से और थंब फिंगर की मदद से पुल बैक करेंगे राइट है ओनली पिस्टन नॉट सिरिंज हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से ये सिरिंज है समझो इसके अंदर इस तरह से पिस्टन होता है राइट ये पिस्टन को इतना ही हम क्या करेंगे बैक पुल करेंगे राइट तो पिस्टन को सिरिंज को नहीं हाँ ये हमारे बॉडी यहाँ करेंगे दो फिंगर से ये कौन से की इस तरह से और इस क्या करेंगे हमें ये फिंगर से पुल बैक कर देंगे जैसे सेटिस्फाइड होने वैसे पिस्टन हमें पीछे पुल करेंगे तो रिक्वायर्ड अमाउंट शुड बी कम इन द सिरिंज सिरिंज के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट में ब्लड का मिलता है अवेलेबल होता है कितना जरूरत थी 1 ml 2 ml 3 ml हाँ तो उतना हम ब्लड कलेक्ट होने के बाद ड्रॉ होने के बाद ये पिस्टन खींचने का स्टॉप करेंगे ओके आफ्टर दैट व्हाट कैन बी नेक्स्ट पॉइंट ओपन ओपन द टर्निंग collecting blood from the venous method okay aur ek yahan par jo main
इंजेक्टर अंदर कोई का इंजेक्टर रहते हैं मिडल है वो सब में सिरेंज को चेक कर लेते होंगे हाँ डिस्पोजेबल है या तो फ्री है या नहीं है इसके अंदर एयर भी नहीं रहना सिरेंज के अंदर ये भी देख लेना तुम अब देखो ये चेक करने के बाद फुल बैक कर लिए तो फॉर यहाँ एयर गैप है ऐसे इंजेक्ट नहीं कर सकते कंप्लीट एयर रिमूव होना तब हम सिरेंज इंजेक्ट कर सकते हैं उसी के साथ साथ इसके अंदर जो है ये मिडल है इसका जो माउथ इस तरह से होता है ये जो माउथ है ऊपर होना चाहिए इंजेक्ट करने के बाद ऊपर होना चाहिए राइट तो यदि हमें वहाँ पर एक एंश्योरिंग देख लेते हैं हमें कंफर्म होना चाहिए ऊपर है या नहीं राइट तो इस तरह से हम ब्लड को करेंगे उसके बाद हम दूसरे दूसरे उसके अंदर जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर देंगे ओके सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड ओके बाय द टू मेथड्स